उत्तर प्रदेश के बहराइच में थाना फकरपुर इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें दहेज की मांग न पूरी होने पर एक विवाहिता को ससुराली जनों ने पहले तो मारा पीटा, उस पर भी जब उनका दिल नहीं भरा तो उस मासूम पर पेट्रोल डालकर जिंदा आग के हवाले कर दिया। इससे ज्यादा भी शर्मनाक बात यह है कि विवाहिता जलती रही और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे, किसी ने भी आग बुझाने का प्रयास नहीं किया। ये आरोप हमारे नहीं, ये आरोप उस बूढ़ी माँ और बेबस पिता के हैं जिनकी आंखों के सामने ही उनकी आंखों के तारे को आग के हवाले कर दिया गया। सब लोग हम तो पाले हैं, बाप का मारे लागे बूढ़े मारी नहीं निशान हमका पकड़ थाम ले तो सैनाए दें और बिटिया उठा ले गया पेट्रोल डाल के छोड़ दे। पुलिस वाले ने गए इतना दिन गए तो चार लोग खड़े रहे लेकिन कोई नहीं भवा सुन। लेकिन आप लोग जब हम फिर गए थाने का तो कहें कि दुई हाथ तुमरे दुई हाथ हमरे तो तुम आप उतार लेती हमका बात नहीं लेके। पुलिस मेरी लड़की को लोगों ने मतलब लड़की के ससुर और मतलब विवाहित दामाद उसने मार करके और जला दिया, वो जिंदा थी उसको जला दिया। किस लिए जला दिया? तो पुलिस वहाँ पर जब जल रही थी चार पुलिस मौजूद थे, उन्होंने कहा जब जल रही है तो क्या करें हम लोग, क्या बाल्टी मक्का लेकर के आए हैं जो बुझाऊं मैं। फखरपुर थाना क्षेत्र में रंगुआपुर गांव की एक महिला प्रीति है, ये इनके पति का नाम सतीश मौर्य है। सूचना प्राप्त हुई थी कि इनको इनकी मृत्यु हो गई है और इन्हें जला दिया गया है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष फखरपुर मौके पर जा गए और वहाँ से इन्होंने डेड बॉडी बरामद कर ली है। इस मामले में मृतका के पिता की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है दहेज हत्या की, जिस मामले में FIR दर्ज करके विवेचना प्रचलित है। क्षेत्राधिकारी कैसरगंज द्वारा विवेचना की जाएगी और जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उस पर हम कार्यवाही। तो आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बेटी जलती रही है, पुलिस वाले खड़े देखते रहे तमाशा, तुमने कोई मदद नहीं की। नहीं, यह कहना गलत है, ऐसे कोई प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। विवेचना में यदि ऐसा कोई तथ्य आया जाएगा तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना और ऐसा कोई तथ्य प्राप्त नहीं। बहराइच से इनसाइट न्यूज़ के लिए अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट।